రాజేంద్రనగర్ మొగల్స్ కాలనీలో విషాదం. రైలు ఢీకొని ఫరీద్ అనే వ్యక్తి మృతి చెంది తన మోటార్ సైకిల్ పై రైల్వే బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తుండగా ఢీకొట్టిన రైలు రైలు చక్రాల కింద నలికిపోయిన ఫరీద్ రెండు ముక్కలైన తన శరీరం విషాదంలో మునిగిపోయిన ఫరీద్ కుటుంబ సభ్యులు ఫరీద్కు భార్య రెండు నెలల కుమారుడు రైల్వే అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఫరీద్ మృతి చెందారంటూ స్థానికులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. వట్టమల్లి రైల్వే గేటు వద్దకు చేరుకున్న స్థానికులు గ్యాంగ్మాన్పై దాడికి యత్నం తన నిర్లక్ష్యంతో ఫరీద్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైల్వే గేటు వద్ద బయటించిన స్థానికులు గ్యాంగ్మాన్ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అతనిని సస్పెండ్ చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. మూడు గంటల పాటు కొనసాగిన నిరసన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మైలర్ దేవులపల్లి పోలీసులు నిరసన కారణాలను సముదాయించిన క్యాప్స్ త్వరగా బ్రిడ్జ్ నిర్మాణాల పనులు పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. స్కూల్ విద్యార్థులు, మహిళలు, వృద్ధులు అనేకులు రైల్వే బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసి రావాలి. వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. రైల్వే అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. रेलवे मैन रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन डाउन 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 रेलवे मैन डाउन डाउन रेलवे मैन डाउन डाउन सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को 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 सस्पेंड करो रेलवे मैन डाउन 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 रेलवे मैन डाउन 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 रेलवे मैन डाउन 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 सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो राइट मैन डाउन 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 रेलवे मैन डाउन डाउन रेलवे मैन डाउन डाउन रेलवे मैन डाउन डाउन रेलवे मैन डाउन डाउन सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को 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 सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो सस्पेंड करो सस्पेंड करो रेलवे मैन को सस्पेंड करो. साथ में वो हादसा होने वाला था तो एकदम जो है ना बच्चे इधर हो गए और थोड़े इन उधर जाके गिर गए. तो ये हादसा कुछ दिन पहले हुआ था. ये हादसा जो हुआ ये रहने वाले कहाँ के? ये मोगल्स कॉलोनी है, फरीद भाई है. मोगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5 में रहते हैं. इनके बड़े भाई का नाम अजहर भाई है. और इनको इंसाफ होना और इनके घर वालों को इंसाफ चाहिए. जब कमाने वाले, करने वाले, खाने वाले, सब कमाने वाले इन थे. इनकी फैमिली को देखना है. काम क्या करते थे? शादीशुदा थे. शादीशुदा है, बच्चे है भाई, थोड़े बच्चे भी है उनकी, शादीशुदा है. और एक रही बात, देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रोज की तकलीफ हो गई. यहाँ से एक को बोलते थे भाई, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को भी तकलीफ है, आम आवाम को भी तकलीफ है. और महिलाओं बोल के जितने भी स्कूल से, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल से करीब में आना जाना परेशानी है. किसी को अगर हादसा हो जाए या तो कुछ, किसी को हार्ट आ जाए या तो किसी का एकदम इमरजेंसी में कुछ हॉस्पिटल लेके जाना है. गरीब जो है ना उस्मानिया को जाता है तो उस्मानिया को भी जाना तो 6 से 8 किलोमीटर दूर जो है ना गोल फिर के जाना पड़ रहा है लोगों को. इस वजह से बोल रहा हूँ ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और ये हमारे एमपी साहब और सदस्य इस हिसाब से और सीएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का काम है जल्द से जल्द पूरा कराए. पूरा करा के जो है ना यहाँ के जो रेलवे जो पाठक से जो परेशानी हो रही है लोगों को वो गेट उठा दिया जाए. अगर नहीं किसी चीज़ से अगर कॉन्ट्रैक्टर रुका हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कुछ फंड्स नहीं आए, कुछ नहीं आए तो उसकी वजह से अगर रुका हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है ना ट्रेन का जो है ना गेट उठा दिया जाए और आवाम के जो है ना कम से कम बाइक जाने आने का रास्ता बनाया जाए. तो अगर बाइक जाने आने का रास्ता भी बनाया जाए तो कुछ इमरजेंसी में बाइकों पर भी लेके जा सकते हैं हम लोग. देखो साहब और एक छोटी बोल के भी बोले थे. तो ये भाई है हमारे, क्या नाम है आपका? असद भाई है. मोगल्स कॉलोनी में रहते हैं. इन्होंने इनकी फैमिली के साथ जा रहे थे इससे पहले वहाँ से वापस. अच्छा जो रेलवे के कम से कम एक बाइक या एक ऑटो कैसर का तो भी अगर रख दिए तो बहुत अच्छी मेहरबानी होती. क्योंकि देखो भाई यहाँ से जो आ रहे जो छोटे छोटे मासूम के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं,
यहाँ पर कॉलेज से, हॉस्पिटल से, और जो है ना यहाँ पर जो है ना नियर बाई मस्जिद से, तो यहाँ पर रोज आना जाना लोगों का लगा हुआ रहता है। यहाँ पर लोग जो है ना काम करने वाले रहते हैं यहाँ से सुबह में, जो रोड क्रॉस करके जाते हैं हमेशा। तो आज एक हादसा हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल दूसरा हादसा ना हो, कि आप जो है ना जल्दी से जल्द एक्शन ले यहाँ पर। और यहाँ से बहुत करीब जो है ना MIM के प्रेसिडेंट हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर है, उनको ये पूरी यहाँ की सारी डिटेल्स मालूम है, शायद मालूम हो सकती है। तो उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ब्रिज का काम जल्द से जल्द चालू कराए, या तो ये रेलवे गेट उठा दिया जाए, क्योंकि कल खुदा ना खास किसी आदमी, किसी इंसान जो गरीब है, जो अगर सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल जाता है अगर ले लेके बीमार, अगर किसी को इमरजेंसी में है, तो यहाँ से चंद्रन गुट्टा से जो लॉन्ग पिप के जाना पड़ता है, या तो आरामगढ़ से बहादुरपुर से पिटते हुए जाना पड़ता है। अगर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये गेट खुला दिए, या तो बाइक या तो ऑटो भी गैस सरकार कर दिए, अगर जब तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है काम कॉन्ट्रैक्ट का, ये ब्रिज का काम जब तक, तो भी अगर उठा दिया जाए तो जो है ना सहूलत हो जाती है यहाँ के जितने भी आवाम को, अतराफ के आवाम को सहूलत हो जाती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ CM साहब से भी कि यहाँ पे तवज्जो दे और यहाँ का जो है ना ब्रिज का प्रॉब्लम सॉल्व कराए। और जो आज जो मरूम जो हमारे फरीद भाई है, जो मुगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5 में रहते हैं, उनके बड़े भाई का नाम अजहर भाई है, तो उनकी फैमिली के लिए भी आप लोग जो है ना, वो अकेले थे काम करने वाले, उनकी फैमिली के लिए भी आप लोग कुछ करिए। असद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और TRS रूलिंग पार्टी जो, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद खादर कांग्रेस स्टेट से, आप लोग जो है ना वो अकेले थे काम करने वाले, उनकी फैमिली के लिए भी आप लोग कुछ करिए। असद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और TRS रूलिंग पार्टी जो, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद खादर कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी। उनकी एज क्या है? एक 35 क्रॉस है भाई, 35 40 के करीब, 40 चिल्लर होगा। मैरिड है? हाँ मैरिड है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, और इनसे भी, इनसे पहले भी इनके साथ हादसा हो रहा था, इनके साथ इन्होंने क्या करें, बहुत है यहाँ पर फैमिली, इनकी फैमिली जो, इनकी फैमिली जो है ना वहाँ से क्रॉस कर रही थी, तो इन्होंने एक साइड गिर गए, उनकी फैमिली एक साइड गिर गई, एक साइड बच्चे गिर गए। उसके बाद हम लोग, इन्होंने भी जाके वार्निंग दिए थे, इसके अंदर बातें भी करे थे, रेलवे मैन को जाके बात भी करे थे, तो गुस्से में आया तो फैमिली की जान जाती, इन्होंने भी जाके बातें भी करे थे। हादसा अभी थोड़ी देर, थोड़ी देर पहले 6-7 बजे का टाइम था। अभी आप रेलवे डिपार्टमेंट या मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट भी हूँ, तो यहाँ पर आज जो है ना फरीदनामी इंसान जो है ना मुगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5 में रहते हैं, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पर मंगल बाजार को जाके जो जा रहे थे या आ रहे थे, यहाँ पर आप देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। देख रहे हैं कितनी स्पीड से ट्रेन जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर इससे पहले भी एक हादसा होते होते बच गए, भाई के साथ जो है ना, भाई की फैमिली के साथ जो है ना यहाँ से आ रहे थे, कि रेलवे डिपार्टमेंट वाले सीटी नहीं मारे, जो रेल मैन रहता है वो सीटी नहीं मारे, तो हादसा होते होते बच गया था। मैं इससे पहले भी उनको जाके वार्निंग दिए थे हम लोग, तो अगर आप निकल के एक बार रिक्वेस्ट भी करते सीटी मार लिए, तो जो है ना आवाम को जो है ना सहूलत हो जाती है, सिक्योरिटी होना है। और एक क्या है बोले तो, यहाँ पर 3-4 महीने से जो है ना पेंडिंग काम चल रहा था यहाँ पर ब्रिज का, तो वो पेंडिंग पड़ गया है, वो पेंडिंग पड़ने की वजह से सारे हादसे हो रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का काम अगर रुक गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आई या नहीं आई, बंद करने या प्रॉब्लम है हमारे को तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट जब ब्रिज बनाते जो रोक दिया गया, तो उन जो है ना लोगों का कहना है कि आवाम का कहना है कि RTC एक्स रोड पे जो है ना वहाँ पर कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कि यहाँ से वहाँ पर चले गए। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद आवाम फंड्स का प्रॉब्लम होगा या कोई और प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग जो है ना बंद करवा के जो है ना ये आपका काम रोक दिए बात, जब पटरी जो गेट है रेलवे गेट है जो उठा दिया जाए, क्योंकि आवाम को जो है ना तकलीफ ना हो।